4 सितंबर को कैबिनेट बैठक में होगा स्कूल खोलने पर फैसला, जाने क्या बोले शिक्षा मंत्री। हिमाचल में नई शिक्षा नीति टास्क फोर्स का गठन किया गया है, हर जिले में टास्क फोर्स की बैठक होगी। इसकी शुरुआत मंगलवार को धर्मशाला में हुई, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अन्य जिलों में भी टास्क फोर्स की बैठक होगी और प्रदेश में बिल्कुल सही तरीके से इस नीति को लागू किया जाएगा। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि 4 सितंबर को कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्कूल्स को खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा सितंबर माह के अंत तक पाठ्यक्रम कटौती का प्रारूप लागू कर दिया जाएगा। कॉलेजेस में 1 सितंबर से लौटेगी रौनक, एसओपी का पालन जरूरी। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजेस में 5 माह के बाद दोबारा बुधवार से नियमित कक्षाएं लगना शुरू होंगी। मार्च में कुछ समय के लिए कॉलेज खुले थे, कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर सरकार ने अप्रैल से कॉलेजेस को बंद कर दिया था। अब शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की एसओपी के अनुसार कॉलेजेस में फिर से कक्षाएं लगना शुरू होंगी। सरकार ने 1 सितंबर से कॉलेजेस में नियमित कक्षाएं लगाने का फैसला लिया। एक कमरे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सिर्फ 50% विद्यार्थियों को ही बैठाया जाएगा। विद्यार्थी अधिक होने की सूरत में अन्य कमरों में बैठाकर कक्षाएं लगाई जाएंगी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही विद्यार्थियों और शिक्षकों गैर शिक्षकों को प्रवेश मिलेगा। एचआरटीसी बस न रोकना चालक को पड़ा भारी, गुस्साई महिला ने की बदसलूकी, जड़ा थप्पड़। हिमाचल की राजधानी शिमला के रामपुर में एक एचआरटीसी के चालक को बस न रोकना महंगा पड़ गया। बस न रुकने से गुस्साई एक महिला ने निजी कार से बस का पीछा किया और बस को रोककर चालक के साथ बदसलूकी की। यही नहीं, गुस्साई महिला ने बस चालक को थप्पड़ तक जड़ दिया। मामला आज सुबह रामपुर उपमंडल के ननखड़ी इलाके में जाहू टीम के करीब का है। मिली जानकारी के अनुसार शिमला से खड़ेला जा रही बस को रास्ते में एक महिला ने रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक महेंद्र ने पहले से खचाखच भरी बस को रोकना मुनासिब नहीं समझा और आगे बढ़ गया। इस पर तिलमिलाई महिला ने निजी कार से बस का पीछा करना शुरू कर दिया। जाहू के पास महिला ने बस के आगे कार को खड़ा कर रुकवाकर बस को चालक से बदसलूकी की। यही नहीं, महिला ने चालक को थप्पड़ भी मारा। नौकरी के इच्छुक बेरोजगार 3 सितंबर को पहुंचे शाहपुर, 7 लाख कोविड टीकाकरण का प्रमाण पत्र। प्रदेश के बेरोजगार आईटीआई डिप्लोमा होल्डर युवाओं के लिए ब्राइटवे रबड़ उद्योग जालंधर में नौकरी पाने का मौका है। ब्राइटवे रबड़ उद्योग जालंधर 3 सितंबर को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में कैंपस साक्षात्कार करने जा रही है। इस साक्षात्कार के माध्यम से कंपनी विभिन्न ट्रेंडों से 60 युवाओं का चयन करेगी। कंपनी के एचआर अभिषेक राउत ने कहा कि ब्राइटवे रबड़ उद्योग एक संगठन के रूप में जालंधर स्थित उद्योग में विभिन्न पदों के लिए आईटीआई छात्रों को नियुक्त करने के लिए कैंपस भर्ती का प्रस्ताव रखा है।